आपका स्वागत है। देखिए इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि अगर पशु में बदा लग जाता है या उसमें जो है वो बदे के साथ साथ वो कभी बैठ जाती है, उठ नहीं पाती है, तो गर्दन तोड़ती है, तो ऐसे में ग्लूकोज 20% मत चढ़ाइए, ठीक है? उससे आपको नुकसान हो जाएगा, उसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है। और जैसा मैं ये दिखा रहा हूँ, पोट्रॉप ये शीशियाँ हैं, ये ह्यूमन की होती हैं, ये 200 ml की हैं, तो 2 शीशी पिलाइए, 1 शीशी सुबह, 1 शीशी शाम को, तो 2-3 दिन में वो खड़ी हो जाएगी। इसमें होता ऐसा है कि वो पोटेशियम जो है निकल जाता है, तो फिर मसल कंट्रैक्शन बंद हो जाता है। पहले मतलब हाथ का मसल कंट्रैक्शन बंद होता है, बंधा लग जाता है, और फिर उसके साथ साथ मतलब फिर जब स्केलेटल मसल से निकल जाता है तो वो गाय गर्दन तोड़ देती है। तो कृपा करके इसमें कोई भी बिना बात के लिए ग्लूकोज का वो मत दीजिए ज़्यादा, हैं? इसमें आइसो फ्रूट लगा देते हैं लोग, आइसोफ्लूड वगैरह मत लगाइए, कुछ मत लगाइए, इसमें सीधा जो है पोटेशियम क्लोराइड पिलाइए। कोई इंजेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वाइटामिन दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वाइटामिन डी का रोल होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बना लगना, गर्दन तोड़ना, गाय का नहीं उठना, तो आप इसमें पोटेशियम क्लोराइड को ट्राई करिए, और अगर आपको वो इससे सहायता मिलती है तो आप दूसरों को बताइए। शीशियाँ दे रखिए पोटेशियम क्लोराइड के, ह्यूमन की दुकान पर मिलेगी। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है, और हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, एम्ब्रो ट्रांसफर स्कूल है हमारे यहाँ देहरादून में, तो उसके लिए आप संपर्क करिए 7979848432।